बिल्कुल रुई की जैसी सॉफ्ट है, कोई बोलेगा नहीं कि हमने इसे सूजी से बना करके तैयार किया। बिल्कुल भी क्रमली टेक्सचर नहीं है, एकदम से टूट नहीं रही है, एकदम स्पॉन्जी है। सूजी केक बनाने के सारे टिप्स एंड ट्रिक्स इस वीडियो में कवर करूंगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम सूजी लेंगे, कोई सा भी सूजी आप ले सकते हैं। 3/4 कप लेना है आपको, मोटी पतली जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप ले सकते हैं, 3/4 कप लेना है। अब हम डालेंगे इसमें 1/3 कप दही। जो दही लेना है वो बहुत ज़्यादा खट्टी दही का इस्तेमाल आपको नहीं करना है, फ्रेश दही का इस्तेमाल करना है, नहीं तो केक का टेक्सचर और टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। अब हम डालेंगे 1/3 कप दूध। दूध भी हमें नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर लेना है। इन सारे चीज़ों को एक बार थोड़ा मिक्स कर देंगे और ढक कर के रख देंगे इसे 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि सूजी थोड़ा सा फूल जाए। प्लेट हटाएंगे और देखेंगे सूजी थोड़ा सा फूल गया है, इसमें जो भी दूध था वो एब्जॉर्ब हो चुका है। मिक्सर को ट्रांसफ़र कर देंगे एक मिक्सर के जार में, उसमें डालेंगे 1/3 कप चीनी। तो यहाँ पर मैं चीनी ले रही हूँ, अगर आप पाउडर लेते हैं तो उसकी क्वांटिटी डिफरेंट हो जाएगी। अब इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून कोई भी नॉन फ्लेवर्ड ऑयल, आप कोई सरसों तेल या फिर ये सब का इस्तेमाल ना करें क्योंकि इसमें फ्लेवर होता है। अब हम डाल देंगे 2 टेबल स्पून मैदा, आप चाहें तो यहाँ पर आटा भी डाल सकते हैं। अब डालेंगे इसमें 1 टीस्पून कस्टर्ड पाउडर। मैं यहाँ पे इसे थोड़ा सा कलर आए इसलिए इसमें डाल रही हूँ, अगर आपके पास ना हो तो टोटली आप इसे स्किप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें डालेंगे 2 हरी इलायची। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इसमें हरी इलायची डालें, कोई एसेंस ना डालें क्योंकि हरी इलायची का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है। अब डालेंगे 1/4 कप दूध और वापस से इन सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्सर में चन कर लेंगे। बस 30 सेकेंड के लिए करना है, बहुत ज़्यादा देर आपको इसे चन नहीं करना है। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी है, आप देख सकते हैं। इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे एक बॉल में, आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, ये ना तो ज़्यादा पतला है और नहीं तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा है। इसे रखेंगे साइड में। अब मैं यहाँ पर इसे अप्पे पैन में आज बना रही हूँ। आपके पास अगर अप्पे पैन ना हो तो आप इसे इडली स्टैंड में या फिर इस तरह की छोटी छोटी कटोरियों में या फिर आप इसे केक टिन में भी बना सकते हैं। अप्पे पैन को थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर लेंगे ताकि ये नीचे से चिपके ना। अप्पे पैन में 5 मिनट में बन करके तैयार हो जाती है। अब लेंगे 2 टेबल स्पून टूटी फ्रूटी, उसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून मैदा, अच्छे से मिक्स करेंगे। मैदा इसमें डालते हैं ताकि ये अच्छे से चारों साइड केक में इवनली स्प्रेड हो, नीचे से एकदम जा करके ये ना बैठ जाए। आप यहाँ पर कोई ड्राई फ्रूट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब डालेंगे इसमें 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मिक्स नहीं करना है, बस इतना मिक्स करना है जबकि थोड़ा सा मिक्स ना हो जाए। आप देख सकते हैं बैटर फूल गया है। अब इसे 1 टेबल स्पून और थोड़ा थोड़ा मैंने इसे अप्पे पैन में डाला था, मैंने इसे पूरा अप्पे पैन को इसे भर दिया था जिसकी वजह से ये थोड़ा सा ऊपर तक आ गया था और ये एक दूसरे से चिपक गया था। तो आप थोड़ा सा इसे खाली रखें, ऊपर से मैं वापस से टूटी फ्रूटी डाल रही हूँ। आप शायद कोई ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं या फिर इसे ऐसे छोड़ सकते हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि उनका केक जल गया नीचे से, तो आपको जो छोटा बर्नर है गैस का उसमें एकदम से लो फ्लेम पे आपको इसे बस 5 मिनट के लिए इसे आपको चढ़ाना है। बहुत ज़्यादा देर के लिए आपको इसे नहीं पकाना है, बिल्कुल 5 मिनट के लिए। मैं यहाँ पर वीडियो को बिल्कुल एडिट नहीं कर रही, सिर्फ फास्ट फॉरवर्ड करें। आप देख सकते हैं केक कितने अच्छे से फूल चुका है। बीच में सेंटर में ज़्यादा फ्लेम लगता है तो हम इस तरह से घुमा घुमा करके साइड्स में भी थोड़ा सा लगा देंगे ताकि इसमें साइड्स में भी एक अच्छा सा कलर आ सके। एक टूथपिक डालेंगे इससे कि आप देख सकते हैं कि एकदम क्लीन है, मतलब कि एकदम ही अच्छे से पक चुका है। साइड में थोड़ा सा चाकू से हम इसे हटा लें क्योंकि ये आपस में चिपक गया था। देख सकते इसमें कितना अच्छा कलर आया है, ये बिल्कुल भी नीचे से नहीं जला है। आप देख सकते हैं एकदम इवनली पका है, नीचे से ना तो हार्ड है ना तो जला है। सारे अप्पे को हम इसे फटाफट तुरंत से बाहर निकाल देंगे, आप इसमें डाल के ना छोड़ें नहीं तो इसमें और ज़्यादा कलर आ सकता है। तो इसी तरह से मैंने यहाँ पर सारे अप्पे इडली को बना अप्पे केक को बना लिया है। ये कितनी ज़्यादा स्पॉन्जी है आप देख सकते हैं, इसमें कोई भी क्रम
क्रमली टेक्सचर नहीं है, एकदम से टूट नहीं रहा है। एक इडली का केक होता है, सॉरी एक सूजी का केक होता है ना, एकदम भर 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 टाइप का हो जाता है, ये बिल्कुल भी वैसा नहीं है। ये जो पहले मैंने बनाया था ये थोड़ा सा ऊपर तक बैटर आ गया था, फिर मैंने थोड़ा कम डाला था जिससे कि बहुत ही अच्छा एकदम परफेक्ट बना है। आप अंदर की जाली देख सकते हैं, जो टूटी फूटी वो भी सारी जगहों में अच्छे से स्प्रेड हुई है। तो आपको मेरा वॉइस ओवर वीडियो कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्या आपको वीडियो समझ में आ रहे हैं, और आप इस वीडियो को एक बार जरूर से घर में ट्राई करें। बच्चों की टिफिन के लिए एकदम परफेक्ट रेसिपी है, और मुझे कमेंट करके बताएं क्या मैं आपके साथ इसी तरह की वॉइस ओवर वीडियो आगे शेयर करूँ। और मुझे मोटिवेट करने के लिए इस वीडियो को एक लाइक आप ज़रूर करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। आपको वीडियोज़ कैसी लगी घर में ज़रूर बताएं, कोई भी डाउट शो कोई भी इशू आता था आप इसे कमेंट करके मुझे कमेंट से पूछ सकते हैं, मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ और सारों का रिप्लाई भी करती हूँ। तो मुझे कमेंट करके बताएं, मिलते हैं इसी तरह के आसान और मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।